my great desire to work with Prakashji for a very long time. And finally, we are getting together after a lot of deliberation. Prakashji has been a director whose work I have been associated with purely as a viewer. Appreciated his approach to filmmaking, the kind of subjects that he has chosen, and the kind of performances that he has extracted from some of the finest talent that we have in this industry. And therefore, there was huge excitement when we discussed this topic, this subject. मुद्दा है जो अपने देश के आवाम को हिस्सों में बांट देता है और ऐसा लगता है जिसका पर्पस है, इसका जो ये जो आरक्षण है वो इस वजह से किया गया है कि बहुत सारे वंचित लोग, अंडर प्रिविलेज लोग जो हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके, नहीं जुड़ सके, उनको एक सोशल मोबिलिटी का मौका दिया जाए। मेरा ऐसा मानना था कि अगर हम कोई फिल्म बनाए तो उसमें दोनों पहलू जो है वो दिखाए जाए। अब ये निर्णय डायरेक्टर का होता है, लेखक का होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट को किस दृष्टिकोण से देखे। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के विरोध भी हुआ, उसका उसको माना भी गया, बहुत से लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लोग निराश थे इससे, आंदोलन भी हुआ इसके प्रति। लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि दोनों पहलू इस फिल्म में, इस फिल्म की कहानी में दिखाए जाएंगे और दोनों को उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि जरूरी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा getting the opportunity to work in films like this. I think as an actor I should be able to carry off different kinds of films, portray different kinds of characters, and not be typecasted with a particular kind of cinema. All the other films that I'm doing, I think this is a particularly socially relevant subject, and something I think that as film people, it is also a little bit of our duty to comment on. And while I personally, to tell you the truth, have no politics or any particular interest in politics, I love the character I've been given. I love the script. And I think that it's a highly dramatic and emotional story, but also deals with something that is so vital to our country. कहीं तकदीर अच्छी है, कुछ नसीबी है, मैं भी उतना ही डरा हुआ रहता हूँ अपनी हर फिल्म को बनाते वक्त और रिलीज करने के पहले कि मेरी कहानी लोगों तक पहुँचेगी कि नहीं, लोग उसमें वो चीज़ें देख पाएंगे कि नहीं जो चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये डर होना भी चाहिए क्योंकि बहुत जिम्मेवारी का काम है। ये ऐसे विषय होते हैं जो मैं उठाता हूँ जिसमें कि कई वर्षों तक ऑब्जर्व करके, देख करके, हर तरह के इक्वेशन समीकरण समझ करके, फिर उन्हें एक कथानक में गूंथ करके और परोसा जाता है। तो ये कोशिश होती है और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ और लोगों का कि वो फिल्म हमारी पसंद करते हैं और चलती है।